नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लक्सर पुलिस ने अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 5 वारंटियों को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा था। रास्ते से एक आरोपी बस से कूदकर फरार हो गया। मुकदमा अपराध संख्या 913/2021 धारा 380/511 में माननीय न्यायालय से आरोपी सिकंदर पुत्र हसीन निवासी रायपुर लक्सर के वारंट हुए थे। पुलिस ने वारंटियों को गिरफ्तार आज ही किया था। 5 वारंटियों को पुलिसकर्मी बस से लेकर जेल जा रहे थे। रुड़की के नगला इमरती में बस से कूदकर एक वारंटी फरार हो गया। पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। फरार वारंटी की तलाश लगातार की जा रही है। बीजेपी उत्तराखंड का आज से 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का काशीपुर स्थित बाजपुर रोड के होटल गोमती हाइट्स सभागार में आगाज हो चुका है। लगातार 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं को आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिए जहां जरूरी टिप्स दिए जाएंगे, तो वहीं उनको कई अहम जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार किया जाएगा। पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग है जो 3 दिन तक यहाँ पर चलेगा, 19-20-21। इसमें प्रदेश के, ये पहले हमारे यहाँ मंडलों में हुए हैं, फिर जिलों में हुए हैं और प्रदेश में हुए। प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रदेश के सभी सदस्य और वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं वो इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 180-185 लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और इसमें हमारे 15 सत्र चलेंगे जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति और संगठन को किस तरीके से आने वाले समय में हमें काम काज के बारे में जानकारी देंगे। बैठने वाला व्यक्ति किसी भी पद पर हो, यदि सत्र में उसका विषय नहीं है और उसकी अध्यक्षता नहीं है, तो वो शिक्षार्थी के रूप में नीचे बैठकर सत्र को सुनेगा। जिसमें सत्र का मुख्य वक्ता होगा या सत्र की अध्यक्षता करेगा, वही केवल मंच पर होकर सत्र की सारे विषय को लेगा। इसी प्रकार से सत्र में हमने सारी व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग कार्य सौंपा है। जैसा हमारे तीनों महामंत्री और जो हमारे प्रशिक्षण प्रमुख हैं और हमारे जो इस सारे सत्र को कुंदन परिहार जी यहाँ के वो प्रमुख हैं। कहते हैं पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यहाँ के काम नहीं आती। इन दिनों ठीक ऐसा ही कुछ चमोली जिले में हो रहा है। यहाँ के एलंग में घसियारी महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा की गई अभद्रता के विरोध में कर्णप्रयाग में जन पक्षकारों ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये कंपनियां हमारे जल, जमीन और जंगल पर कब्जा करना चाहती है। जिस तरह से महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उसके खिलाफ हम 14 जुलाई को एलंग जाकर इस मामले में विरोध कर घसियारी महिलाओं को समर्थन देने। प्रदर्शनकारियों ने घसियारी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। प्रदेश ने देखा कि हेलंग में महिलाओं के साथ CISF और पुलिस के द्वारा घास छीनने की घटना हुई। घास छीनना तो ठीक है, लेकिन जल विद्युत परियोजना बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं वो न केवल घास छीन रही हैं, चारागाह छीन रही हैं, हमारा पानी, हमारा जंगल, हमारी जमीन हमसे छीन रही हैं। तो ये जो अभद्रता हुई, इसका विरोध करते हुए हम ये मांग करते हैं कि जिन्होंने हेलंग में महिलाओं के साथ अभद्रता की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जल विद्युत परियोजनाओं की निरंकुशता पर रोक लगे, उनके मॉनिटरिंग की जाए। चमोली जिले में शाम को भारी बारिश से गोपेश्वर मुख्यालय की सड़क नालों में तब्दील हो गई। चमोली जिले में दिन भर मौसम साफ रहने के बाद शाम को तेज मूसलाधार बारिश से गोपेश्वर बस स्टेशन से पुलिस लाइन तक सड़क नाले में तब्दील हो गई। वहीं आसपास के कई दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों में खासा आक्रोश है। सड़क पर जहां पर बारिश का पानी आने से व्यापारी परेशान है, तो वहीं आमजन भी इस बारिश के पानी से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। जिले में भारी बारिश के रेड अलर्ट जारी होने के बाद तहसील प्रशासन भी पूरा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। यदि भारी बारिश होती है तो कोई हानि ना हो, उसके लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है। गंगा नदी के पास बसे गांवों पर पैनी नजर बनाई हुई है। लक्सर SDM गोपाल राम बिनवाल का कहना है कि 20 और 21 जुलाई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए तहसीलदार शालिनी मौर्य
एनडीआरएफ और पूरी रेस्क्यू टीम के साथ शेखपुर बिला, चंद्रपुरी, खादर, जोगावाला और दल्लावाला गांव का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि बारिश होने पर जिन स्थानों पर पानी भरने की संभावनाएं थी उन पॉइंट्स को चिन्हित किया गया। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ती है तो वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, ऐसे स्थानों को भी चिन्हित किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि यदि भारी बारिश होती है और गंगा नदी में पानी बढ़ता है तो उसके लिए भी ग्रामीणों को सूचित किया गया है, वो नदी किनारे ना जाए, सुनिश्चित स्थानों पर रहे और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो तुरंत कंट्रोल और बाढ़ चौकी में सूचना दें। सरोवर नगरी नैनीताल के आसपास देर रात से मूसलाधार बारिश का क्रम जारी है। मौसम वैज्ञानिक द्वारा नैनीताल को रेड अलर्ट घोषित किए जाने से जिलाधिकारी नैनीताल धीरज सिंह गर्ब्रिगाल ने जनपद के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा कर दी थी। मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया तो वहीं पहाड़ों से आए मलबा और पत्थरों के आने से जनपद नैनीताल में दो राजमार्ग गजरिया, बेताल घाट, भंडारपानी, तल्ली सेठ और 8 ग्रामीण मार्ग कांडा, डोनपुरवा, सागर मोटर मार्ग, भूटियाघाट, सूर्यगांव, भोरसा पिनौरा, हरीशताल, डालकन्या मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। तो नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था जिसके बाद तमाम रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी भी घोषित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अमेठी आने के बाद ठीक घंटों बाद विशेष समुदाय के लोगों द्वारा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह को अभद्रता देने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल विशेष समुदाय के लोगों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश का वीडियो सामने आया है। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो इस्लाम जिंदाबाद, अल्लाह अकबर कहना हो के नारे लगाए जा रहे हैं। राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह को राजभवन तिलोई में घुसकर जूता मारने का भी दावा किया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। विशेष समुदाय का ये वीडियो बताया जा रहा है जिससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। प्रशासन इस पूरे मामले पर अनजान बना हुआ है। तिलोई विधानसभा का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। पीलीभीत में एक वृद्ध को दो लोगों ने अंगूठा गले में डालकर मारने की कोशिश की जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। मामले में वृद्ध की बेटी ने सुनगढ़ी थाने में तहरीर दी है। तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल बरेली जनपद के रहने वाले इंद्रजीत के बेटे के ससुराल पीलीभीत जनपद के मोहल्ला सुनगढ़ी इलाके में है। इंद्रजीत अपने बेटे के ससुराल अपने पोते पोती को देखने गए थे लेकिन बहू ने मिलने से मना कर दिया और मारपीट कर घर से भगा दिया जिसके बाद इंद्रजीत अपनी बेटी पुष्पा के यहाँ थाना सुनगढ़ी इलाके की काला मंदिर लाके आ गए। आरोप है कि बेटे के साले मोहित और नितिन और अन्य ससुरालजनों ने पुष्पा के घर आकर उनके साथ मारपीट की है, उनको जान से मारने की कोशिश की। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई। आरोप यह है कि उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। मरेली से आया तो मैंने कहा चलो भाई पैसे भी देना, सब उनका कहना कह देंगे और इसी बहाने बच्चों को भी देख लेंगे। हाँ हम गए अपनी लौंडे की बहू के यहाँ। अच्छा ठीक। हाँ सपना घर गए थे। हाँ जी वहाँ पे आपकी बहू यहाँ रह रही है? हाँ यहीं रह रही है। बहू और आपका बेटा? बेटा हाँ दोनों ही रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये हो गया करीब सवा दो महीने करीब हो गए। हाँ फिर हम इसीलिए यहाँ पे आए थे। हमारा परेशान कर रहे हैं समूह वाले, हमें पैसा दीजिए नहीं तो आपको। कितना पैसा दिलवाया था आप? जो तो मुझे ध्यान नहीं कितना दिलवाया था, दो किस्तें हैं। फिर हमने थोड़ा बहुत दे दिया, थोड़ा बहुत रह गया। हम बता नहीं आया तो वो किस्त आप दे, किस्त टूट गई कई महीने हो गए। अगर वो पैसा नहीं देंगे तो हमारे घर में ताल डाल देंगे, हमें जेल भेज देंगे, ये करेंगे। साजापुर के मेडिकल कॉलेज में उस समय सनसनी फैल गई जो मेडिकल कॉलेज के बोर्ड वार्ड में भर्ती मरीज के जो शव है वो सड़क किनारे मिला है। चौंकाने वाली बात यह है कि वार्ड में 24 घंटे निगरानी करने वाले स्वास्थ्य कर्मी मौजूद होने के बावजूद वार्ड में भर्ती मरीज को जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि यह मरीज 13 जुलाई को एक्सीडेंट होने पर भर्ती किया गया था। उसके नाक में नली पड़ी हुई थी। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने लापरवाही पकड़ने के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई नहीं की। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मोहल्ला लाल मस्जिद इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर
फर्नीचर की दुकान में बीती रात भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जिसकी वजह से सारा माल जलकर राख हो गया। पूरे मामले के लाइव वीडियो किसी शख्स ने मोबाइल में बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग कितनी तेज है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन आग बुझाने का कोशिश जो है वो पूरी तरह से नाकाम रही है। फिर उसके बाद सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे, किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में बीती रात चोरों ने दो घटनाओं को अंजाम दिया। पहली घटना में चोरों ने बरगदिया घाट पर गंगा किनारे बने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर मंदिर में रखे बक्से से ठाकुर जी की मूर्ति समेत 90,000 की नकदी और 2 सोने के कंगन लेकर फरार हो गए। वहीं बीड़ सिपाहियों और गश्त कर रही पुलिस को चोरी की घटनाओं की भनक तक नहीं लगी। सुबह साधु के जागने पर मंदिर में हुई चोरी की घटना का खुलासा हुआ है। खोजबीन करने पर साधु विष्णुदास के कमरे से चोरों द्वारा चोरी किया गया बक्सा झाड़ियों में पड़ा मिला। श्रावस्ती में रात 3 बजे लगभग जिला मुख्यालय भीनका दाहना में आग लग गई। दाहना के निवासी असफाक ने मौके की नजाकत देख पुलिस को सूचना दी, लेकिन डायल 100 पुलिस मौके पर ना पहुंचकर दमकल को सूचना दी गई। दमकल विभाग रात करीब 3:30 तक मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने में 2 घंटे का समय लग गया, जिसके बाद 5:30 बजे सुबह आग पर काबू पाया गया। आग देह निवासी फैजान के दहना में लगी थी, जिसमें लगभग 6 से 8 लाख तक का नुकसान बताया जा रहा है। वही बताया जा रहा है कि इस आग में कुछ जो गाड़ियां हैं वो भी जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। आगरा देहात से लेकर शहर तक जलभराव ही जलभराव है। घरों में पानी भरा हुआ है, खेतों में पानी भरा हुआ है, सड़कों पर भी पानी लबालब नजर आ रहा है, तो कहीं स्कूल में पानी है, हालत नरकीय हो चुके हैं। ग्रामीणों को बीमारियों का डर सता रहा है, तो शहरवासी सड़कों पर जलभराव के चलते घर में कैद होने को मजबूर है। नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन आज है। आपको बता दें कि सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम सभा सदस्य के रिक्त पदों के लिए नामांकन होना है। 2 ग्राम प्रधान व 56 ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए ये नामांकन हो रहा है। सदस्य जिला पंचायत के एक पद के लिए भी नामांकन होगा। 21 जुलाई को नामांकन पत्र की जाँच की जाएगी, 22 जुलाई को नाम वापसी और चुनाव आवंटित होगा, 4 अगस्त को मतदान और 5 अगस्त को मतगणना होगी। यूपी समेत देश के हर कोने में ऐसे छात्रों की कमी नहीं है जिनके पास स्कूल और कॉलेजेस के लिए फीस नहीं है। आगरा के रामकृष्ण इंटर कॉलेज में ऐसे गरीब छात्रों की मदद के लिए गुल्लक रखे गए हैं। इन गुल्लकों में छात्र और कर्मचारी पैसा जमा करते हैं। यहाँ पढ़ने वाले जिस स्टूडेंट को फीस के लिए पैसे की जरूरत होती है, उसे कॉलेज प्रबंधन गुल्लक तोड़कर मदद करता है। उत्तर प्रदेश के इंटर कॉलेज में पहले से ही 12वीं तक की पढ़ाई होती है। 12वीं तक की पढ़ाई होने के कारण स्कूल को इंटर कॉलेज का दर्जा दिया जाता है, तो ऐसे में कई गुल्लक रखे गए हैं ताकि जिनके पास पैसों की कमी है, जिन स्टूडेंट्स के पास, वो इस गुल्लक से पैसे निकालें और फिर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। श्रावस्ती में मौसम का मिजाज बदला है। सुबह से आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और झमाझम बारिश हो रही है। आपको बता दें कि काफी समय से लोग परेशान थे भीषण गर्मी से, ऐसे में बारिश होने से लोगों को राहत मिली है, लेकिन जलभराव की समस्या भी लगातार बनी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।